हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, क्लास एट्थ मैथमेटिक्स के हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। एक्सरसाइज 2.2 को हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो 3 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो आप जानते हो कि आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है, आपने पहले ही पढ़ा है। ये एक ट्राइंगल है, ये आइसोस्केलस कब होगा, जब इनकी दोनों साइडें क्या होगी, बराबर होगी। और इन्होंने बेस दे रखा है कि बेस जो है, ये नीचे वाला जो बेस होता है, ये है 4/3 सेंटीमीटर। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल का बेस तो है 4/3 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि बाकी की दोनों साइडें इक्वल होती है। तो अभी हमें पता नहीं है, तो हम इन दोनों को क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। और फिर दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज़ 4 2/15। अब पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइडों का प्लस, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो आप जानते हो ये ट्राइंगल है, और पेरीमीटर क्या होगा, इस साइड का प्लस, फिर इस साइड का प्लस, फिर इस साइड, यानी तीनों साइडों का प्लस क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ थ्री साइड, सम ऑफ थ्री साइड। तो अभी इस क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, तो हम लिखेंगे बेस ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। ट्राइंगल का ये शॉर्ट फॉर्म है। कितना दे रखा है, 4/3 सेंटीमीटर। फिर इक्वल साइड को हमने एक्स माना है, तो लेट द टू इक्वल साइड्स इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद इसी क्वेश्चन में पेरीमीटर, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है पेरीमीटर ऑफ आइसो स्केलस ट्राइंगल, कितना दे रखा है, 4 2/15 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइडों का प्लस। तो पहली साइड हो गई 4/3 मान लो बेस, प्लस बाकी की दोनों साइडें क्या हो गई, एक्स हो गई, एक्स प्लस एक्स। और इसको हम सोल्व कर देंगे, क्या होता है आपको पता है, 15 4 60 60 और 262 अपॉन 15। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो इसको उधर भेजेंगे x, और x तो क्या हो जाएगा, 2x, और 62 अपॉन 15 है ही पहले से ही, और माइनस का क्या हो जाएगा, 4/3। तो ये तो सिंपल हो गया, अब इक्वेशन बन गया। अब इधर एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ, आप तो नीचे नीचे करते रहना। एलसीएम आ जाएगा 15, और 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा। 15 की टेबल में 15 कितनी बार है, 1 बार में, तो 62 बन जा 62। 3 की टेबल में 15 कितनी बार, मतलब 5 बार में, 5 को 4 से इंटू करेंगे, 5 4 20, तो 2x इक्वल टू, अब 62 में से 20 गया तो 42 आ जाएगा, 42 अपॉन 15। तो ये हम सॉल्व कर ही रहे। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आप देख रहे हो कि 2 इंटू में, तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42, फिर डिवाइड में चला जाएगा 2, और इंटू क्या हो जाएगा, 15। या तो आप 215 या 30 भी लिख सकते हो, बात वही है। अब 2 से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ 2 बार में और 1 बार में, और उसके बाद ये 3 की टेबल से कट रहा है, 3 5 15 और 3 7 21। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7/5। तो x इक्वल टू आ गया 7/5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई कितनी, 7/5 सेंटीमीटर। तो यही पूछा था कि रिमेनिंग दो साइडों का लेंथ क्या है, तो रिमेनिंग दो साइड का लेंथ क्या है, x इक्वल टू, तो आंसर हम ये भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर, ये भी सही है। और कई जगह ऐसे भी कर सकते हैं, 7 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 क्या हो जाएगा, 5, और माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कई जगह ऐसा भी आंसर लिखा रहेगा, 1 2/5 सेंटीमीटर। देखो 1 लिखा, फिर ये 2 अपॉन 5, क्योंकि 5 1 5, फिर प्लस करेंगे तो 7/5 हो जाएगा। तो ये भी आंसर सही है, 1 2/5 सेंटीमीटर भी सही है, और 7/5 सेंटीमीटर भी सही है। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि थर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अभी देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, पहले पढ़ते हैं, सम ऑफ द टू नंबर इज 95। क्या दे रखा है, दो नंबर का प्लस 95 है। कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला 40 और 55,
इन दोनों का प्लस क्या है? 95, ठीक है। अब ऐसे ये बोल रहे हैं कोई भी दो नंबर का प्लस 95, इफ वन एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा, एक्सीड का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। वन एक्सीड द अदर बाई 15, एक जो नंबर है वो दूसरे से 15 ज़्यादा है। तो ये देखो यही है आंसर, देखो एक 40 है तो 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है ना, 55, तो इन दोनों का प्लस। तो फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर को फाइंड करना है। तो हमें कैसे पता लगेगा? तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कुछ पता नहीं है तो लेट द फर्स्ट नंबर, हमने क्या किया, जो पहला नंबर है उसको क्या ले लिया, x ले लिया, ठीक है, सिंपल। अब है सेकेंड नंबर क्या होगा, पहला नंबर x है तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, तो वो सेकेंड नंबर इससे कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है x से, किससे, x से, तो x में कितना जोड़ देंगे, 15, तो ये हो गया ना 15 ज़्यादा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों का सम, सम यानी प्लस, किन दोनों का, पहले नंबर और दूसरे नंबर का, पहला नंबर x प्लस दूसरा नंबर x प्लस 15, इन दोनों का प्लस कितना दे रखा है, 95। अब x की वैल्यू निकाल ली तो वापस देखो सिंपल इक्वेशन बन गई, इन दोनों का प्लस, तो x और x तो क्या हो गया 2x, और 95 इधर है, ये 15 इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, 80 बाई 2 और 2 वन ज़ा 2 40, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 40, तो x की वैल्यू 40 आ गई। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है, ये नंबर को ऐसे शॉर्ट में लिख देता, फर्स्ट नंबर हमने x ही तो लिया था, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, 40। सेकेंड नंबर हमने क्या लिया था, x प्लस 15, तो x कितना है, 40 प्लस 15, तो कितना हो गया, 55, तो ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, सॉल्व हो गया, और हमने दोनों नंबर्स को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, एक तो हो गया 45, नहीं सॉरी, एक तो हो गया 40 और एक हो गया 55। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हो गया, फोर्थ वाला सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, देखो सब इजी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए, है ना, टेक्निक्स का मतलब क्या लेट करना है, अननोन को हमें लेट करना है। देखो नेक्स्ट वापस से देखो, टू नंबर आर इन द रेशियो, अब दो नंबर है उनका रेशियो दे रखा है, कितना, 5:3। अब कभी भी रेशियो दे रखा हो तो लेट द फर्स्ट नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर, दो नंबर का रेशियो, फर्स्ट नंबर 5:5 दे रखा है, तो रेशियो दे रखा है तो क्या लेना है, 5x, क्या लेना है, 5x, क्योंकि रेशियो का मतलब इसको काट के लिखा गया है, तो काट के लिखा गया है तो हमें पता नहीं, जैसे ये 15:9 है तो इसको काटा तो कितना आ गया, 5:3 की टेबल में, तो ये बन गया ना 5:3, तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू इंटू होगी तभी जाके ये 15 वापस बनेगा, तो इसीलिए जब भी रेशियो दे रखा हो तो 5x लेंगे। और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 3 है तो 3x हो जाएगा। अब आगे बढ़ते, इफ़ दे डिफर बाई, डिफर का मतलब उनका डिफरेंस, डिफरेंस यानी माइनस, इन दोनों का माइनस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस 3x इक्वल टू कितना दे रखा है, 18, इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 18, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, तो 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 2x, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/2, और ये 2 से कैंसिल करेंगे 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब हमें नंबर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारा, 5x, तो 5 × x की जगह 9, तो 5 × 9 से कितना हो गया, 45। फिर हमें क्या फाइंड करना था, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या है, 3x, ऊपर ले रखा है हमने, 3 × 9, तो कितना आ गया, 27। तो ये हमारा दोनों आंसर हो गया, एक तो 45, अब आपको चेक करना है तो 45 को आप 27 से माइनस करके देख लो, तो इधर से कैरिंग लेंगे, 15 में से 7 गया 8, 3 रह गया 3 में से 2 गया 1, तो यही था क्वेश्चन में कि इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, और इनका डिफरेंस 18 आ गया, तो पहला नंबर तो हो गया 45 और दूसरा नंबर क्या हो गया, 20
सेवन, तो 45 और 27 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 में। सारे इजी क्वेश्चन हैं, बस टेक्निकल क्वेश्चन है। टेक्निकल का मतलब आपको क्या लेटर लेना है, ये सब आपके नॉलेज में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप वर्क को अच्छे से कर पाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, क्या होगा, लगातार आने वाले, तीन लगातार आने वाले। जैसे मैंने बोला 48, तो इसके बाद क्या आएगा 49, फिर उसके बाद क्या आएगा 50। ये बोल रहे हैं कि तीन लगातार इंटीजर हैं, उनको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 51 आएगा। तो हमें बताओ कि वो तीनों इंटीजर कौन से हैं। तीन लगातार इंटीजर ऐसे होने चाहिए जिनको ऐड करने पे 51। तो मैं एक आंसर आपको बताता हूँ, देखो 16, 17 और 18, ये तीनों लगातार हैं, इनको ऐड करो, 14, 21, 2 आ गया ना 51, तो यही हमारा आंसर आएगा, 16, 17, 18। लेकिन हमें इसको क्या करना है, लाना है कि कैसे, क्योंकि हर बार हमें थोड़ी दिमाग लगा सकते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट इंटीजर, हमने क्या किया, सबसे पहले इंटीजर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा, तो सेकेंड इंटीजर लगातार आएगा, तो इसके बाद वाला इंटीजर कब आएगा, जब इसमें हम 1 प्लस करेंगे, क्योंकि अगर ये 16 होगा तो अगला क्या आएगा, 16 प्लस 1 तभी तो 17 होगा ना। तो अगर मान लो ये 1 है तो ये 1 प्लस 1 2 होगा, तभी होगा, ये होगा सेकेंड इंटीजर। फिर हमें चाहिए थर्ड इंटीजर, तो थर्ड इंटीजर क्या होगा, एक्स प्लस 2, क्योंकि अगर ये अगर 7 होगा तो ये 8 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 9 होगा। तो 9 कब होगा, जब इसमें 2 जोड़ेंगे। तो हमें ध्यान रखना है, जब भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर वाला क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट को x लेंगे, तो सेकंड को x प्लस 1 और थर्ड को x प्लस 2। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, इन तीनों का प्लस, x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इन तीनों का प्लस क्या दे रखा है, 51। x प्लस x प्लस x, 3x है तो कितना हो जाएगा, 3x, और यार 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3, इक्वल टू कितना हो गया, 51। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, अब ये 3 तो उधर चला जाएगा, तो 3x इक्वल टू 51 माइनस क्या हो जाएगा, 3 प्लस का उधर जाएगा माइनस, तो 3x इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 48। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड में चला जाएगा, 48 अपॉन 3, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 वन ज़ा 3 हासिल जाएगा, 18 हो जाएगा, 3 सिक्स ज़ा 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16। तो हमारा पहला नंबर तो क्या आ गया, 16, क्योंकि पहला नंबर हमने x ही लिया था ना। तो हमारा फर्स्ट नंबर, तो ये आगे लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 16। सेकेंड नंबर क्या होगा, आप बोलोगे सर 17 होगा, हाँ पक्का, क्योंकि सेकेंड नंबर हमने क्या लिया था, x प्लस 1, x प्लस 1 यानी 16 प्लस 1, और 16 प्लस 1 यानी क्या हो गया, 17। फिर हम निकालना है हमें थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर क्या होगा, x प्लस 2, तो x कितना आया था हमारा, 16, 16 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18। तो हमारा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, 16, 17, 18, ये हमारा तीनों इंटीजर हो गए। और आप इसको ऐड करके देख लो, 51 मैंने बता ही दिया था पहले, ऐड करने पे क्या आता है, 51 आएगा। तो हमें ऐसे तीन इंटीजर ढूंढने थे जिसको ऐड करने पे क्या है, 51 आए, और वो हमने क्या कर लिया, ढूंढ लिया। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखो सभी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको टेक्निक्स का ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे, अगला वैसा ही है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। वापस वही 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, लेकिन दे रखा है कि ये किसकी मल्टीपल है, 8 के मल्टीपल है, यानी वो 8 की टेबल में आने चाहिए। तो मैंने बोला कि अगर कोई, अगर हम नंबर x लेंगे तो ये 5 की टेबल में कब आएगा, जब इसको हम क्या करेंगे, 5 से इंटू करेंगे। तो अगर किसी नंबर को हम x लेंगे तो वो 8 की टेबल में कब आएगा, जब वो 8 से इंटू कर देंगे, तो वो किसकी टेबल में आ जाएगा, 8 की टेबल में आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू अगर 2 ली, तो ये 8 की टेबल में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैंने इसको 8 से इंटू किया, तो 8 टू जाए क्या हो गया, 16। अब तो ये 8 की टेबल में आ रहा है ना, तो 8 का मल्टीपल लेना है, तो इसका मतलब 8 से इंटू करना पड़ेगा। तो लेट द फर्स्ट मल्टीपल, तो जो पहला मल्टीपल है उसको हम क्या कर लें, क्या लें,
एक्स लेंगे तो उसमें एट को इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा एट एक्स, फिर लेंगे हम सेकेंड मल्टीपल, तो सेकेंड मल्टीपल क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव चाहिए तो एट एक्स तो है ही, और वापिस एट की टेबल में आना है तो उसमें एट जोड़ना पड़ेगा, जैसे 16 है उसके बाद आपको बोला कि अगला नंबर 8 से कब डिवाइड होगा, जब इसमें हम 8 जोड़ेंगे, तो जब 8 जोड़ेंगे तो ये 24 आएगा और तभी ये क्या होगा 8 से डिवाइड होगा या 8 का मल्टीपल होगा, यानी 8 की टेबल में आएगा। फिर उसके बाद थर्ड मल्टीपल लेंगे, थर्ड मल्टीपल हम क्या लेंगे, जब 8x है तो लेना ही है प्लस, अब क्या जोड़ना पड़ेगा 8 जोड़ा है तो अब कितना जोड़ना पड़ेगा 16 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 8 का मल्टीपल आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का प्लस 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू क्या देगा 8 8 8। अब हमें इसको सॉल्व करना, तो 8x 8 8 8 कितना होगा 24x प्लस 16 और 8 भी कितना होगा 24 इक्वल टू क्या हो गया 8 8 8। अब 24x तो इधर ही रहेगा और ये वाला 24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 8 8 माइनस क्या हो जाएगा 24। इधर सॉल्व करेंगे 24x इक्वल टू माइनस करेंगे 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6, फिर 8 8 64। अब x आ जाएगा, अब 864 और 24 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो अब आप या तो डिवाइड कर सकते हो या आप इसको डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो कैंसिल कर सकते हो। तो मैं इधर करके बता देता हूँ, 2 से कैंसिल करना तो 2 1 2 2 2 4, फिर 4, फिर 6 3, फिर 2, फिर 2 से कटना 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 2 1 2 कैरिंग लेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे या तो 6 से डायरेक्ट कर दो 6 1 6, 6 3 18 और 19 20 21, 3 कैरिंग या 36 कितनी बार में 6 बार में, तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ गई 36। तो ये तो किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई, लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, नंबर्स निकालने, तो हम नंबर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमने क्या लिया था 8x, क्या लिया था 8x, तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई 36, तो 8 को किससे इंटू करेंगे 36 से, तो 8 को अगर आप 36 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 8 6 48, 4 8 3 24, 288 कितना आ जाएगा 288। फिर सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर हमने क्या लिया 8x प्लस 8 यही लिया, तो देखो 8 इंटू 36 प्लस 8, तो 8 इंटू 36 तो क्या आएगा 288 और उसमें क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 296, कितना आएगा 296। तो ये हमारा कौन सा नंबर आया, सेकेंड नंबर। अब हमें चाहिए थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर हमने क्या लिया था 8x प्लस 16, तो 8 इंटू 36 प्लस 16, तो 8 इंटू 36 तो क्या आया था 288 और प्लस इसमें क्या जोड़ना है 16 जोड़ना है, और 16 जोड़ोगे तो क्या आएगा 304। तो हमारा आंसर क्या आ गया, तीन नंबर चाहिए थे, पहला आया 288, दूसरा आया 296 और तीसरा आया 304। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चाहो तो आप इसको प्लस करके देख लो कि इनका प्लस 888 आ भी रहा है या नहीं आ रहा, 8 6 14 और 18 1 हासिल, 10 और 18 का 8 1 हासिल, 3 4 5 6 7 8, तो आ गया ना 888। तो इस तरह से हमने कौन से क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेवन्थ वाले क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो ये सारे क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे हैं और बहुत टेक्निकल रूप से दिमाग से सॉल्व होंगे। तो अब आगे कुछ क्वेश्चन है 8 9 10, आप चाहिए तो होमवर्क में कर सकते हो, और बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम एक ही साथ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा करेंगे तो आपको क्या नहीं आएगा, इतना टेक्निकल रूप से समझ में नहीं आएगा। तो आप एक बार वीडियो को आराम से देखना, फिर उसके बाद बिना देखे करना, तभी आपको इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या आएगा समझ में आएगा। और अगले वीडियो में हम बाकी के जो 8 क्वेश्चन और बच रहे हैं उसको सॉल्व करके हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।